हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर अंडर द चैप्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले बात करते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब क्या होता है? जनरली कंपनी डिवेंचर इश्यू करती है तो मैच्योरिटी पीरियड के बाद कंपनी को डिवेंचर होल्डर को पैसे वापस करने के होते हैं। सो कंपनी अंडर द कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर को एक ऑप्शन देती है कि वो कैश ले ले या फिर उसको इक्विटी शेयर दिया जाएगा। सो कंपनी डिवेंचर होल्डर को जो ऑप्शन देती है उसमें या तो वो कैश का रिपेमेंट कर देती है या फिर उसको इक्विटी शेयर देती है। तो यहाँ पे हमें फॉर द पर्पज ऑफ अवर एग्जाम वी विल कंसीडर द मोस्ट वैल्यूएबल ऑप्शन विच इज बेनिफिशियल टू द डिवेंचर होल्डर। सो वी विल कंसीडर हियर इफ डिवेंचर होल्डर इज टेकिंग कैश और इक्विटी शेयर विच हैज द हायर वैल्यू विल बी कंसीडर्ड फॉर फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। सेम फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का डिवेंचर था और 100 रुपीज कंपनी कैश में वापस दे रही है और अगर इक्विटी शेयर की वैल्यू हम फाइंड करें तो वो 105 आती है। तो हम यहाँ पे 105 को कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। सो नाउ we have already understood how to find the cost of debenture under the approximation method as well as the yield to maturity method. Here the formula of both is written. Now we will discuss the example and we will find out the cost of convertible debenture with the help of both the method, whether it is a approximation method or yield to maturity period. So let us go to the example part. A Limited has issued the debenture of its of rupees 10,000, face value is 100 each. So हमें तो यहाँ पे face value कितने दी गई? 100. Interest rate कितना दिया है? 15 रुपये. So interest कितना होगा? 15 रुपये. Maturity period is 5 year. On maturity, option is given to convert into the equity share 1:10. मतलब अगर एक debenture है तो उसके सामने company 10 share देगी debenture holder को maturity पे. या फिर या तो डिबेंचर होल्डर ये 100 रुपीज कैश ले ले या फिर 10 इक्विटी शेयर ले ले पर डिबेंचर के सामने। सो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज गिवन 12, हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट फॉर शेयर प्राइस इज 5%। सो हमें डिबेंचर का रिपेमेंट कब करना है? 5 साल के बाद। सो अभी की इक्विटी शेयर की प्राइस 12 रुपये है। So, 5 साल के बाद इक्विटी शेयर की प्राइस क्या होगी वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। सो अंडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी वी हैव ऑलरेडी लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या होता है? 5 साल के बाद जो वैल्यू होगी उसे बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। तो अभी की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू 12 है। सो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + r^n। सो व्हाट इज द ग्रोथ रेट? ग्रोथ रेट इज 5%। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 + 0.05 / 5। सो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर विल बी 15.312। सो आफ्टर 5 इयर्स द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 15.312 जो कि अभी 12 रुपये है, 5 साल के बाद वो 15 रुपये और 31 पैसे हो जाएगी। सो अब यहाँ पे कंपनी एक शेयर नहीं दे रही है, यहाँ पे कंपनी 10 शेयर दे रही है। ये एक शेयर की प्राइस हुई तो 10 शेयर की प्राइस कितनी हो गई? 153.12। सो अब डिबेंचर होल्डर के पास कंपैरिजन में कौन सा ऑप्शन है? या तो यहाँ पे 100 कैश ले ले या फिर इक्विटी शेयर कितने के है? 153.12। सो दोनों में से बेनिफिशियल कौन से हुए? दिस वन। सो डिबेंचर होल्डर विल सिलेक्ट दिस एंड वी विल फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर विद द हेल्प ऑफ 153.12। Now we will find out the cost of convertible debenture with the help of approximation method. So, उसकी formula क्या थी? KD is equal to I 1 minus T plus RV minus NP divided by N divided by RV plus NP divided by 2. So, I क्या है? 15 रुपये. So, यहाँ पे हमने 15 लिख दिया. 1 minus T. तो T क्या है? 35%. तो 1 minus 0.35 plus RV minus NP. RV मतलब redemption value क्या है? 153.12 minus net proceed कितनी हुई कंपनी की? 100 rupees face value divided by maturity year.
एन लिखा हुआ है 5 डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इज आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। अगर आप इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके आंसर निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा 16.09%। सो दिस विल बी योर कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर एज पर द एप्रोक्सीमेशन मेथड। नाउ वी विल फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर विद द हेल्प ऑफ ईल्ड टू मैच्योरिटी मेथड। सो ईल्ड टू मैच्योरिटी मेथड में हम क्या करते थे, ट्रायल एंड एरर करके दो डिस्काउंटिंग फैक्टर से हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते थे। सो उसकी फॉर्मूला क्या है, L plus NPVL divided by NPVL minus NPVH multiplied by H minus L। So, सबसे पहले हम L और H decide करेंगे। So, यहाँ पे 16.09% आया है approximation method में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे YTM में 15% और 20% से discounted करेंगे। सबसे पहले हम 15% से करते हैं। So, यहाँ पे YTM में क्या लिखना है, सबसे पहले ईयर लिखना है। पहले ही साल हमें 100 रुपीस मिल रहे हैं, उसका डिस्काउंटेड फैक्टर 1 रहेगा और प्रेजेंट वैल्यू 100 रहेंगी। तो दिस इज दी फॉर द पर्पज ऑफ जीरो ईयर, मतलब आज हमें 100 रुपीस मिल रहे हैं और उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी 100 ही रहेगी। पहले 5 साल में कंपनी को क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट कितना रुपये, 15 रुपये, लेकिन उस पर हमें क्या मिलेगा, टैक्स बेनिफिट। सो 15 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी, so 15 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.35 दैट इज 9.75। सो कंपनी का इफेक्टिव कॉस्ट कितना हुआ, 9.75। तो 5 साल तक हर एक साल कंपनी को ये रुपीस देने हैं और फॉर द फिफ्थ ईयर कंपनी को ये डिबेंचर रिडीम भी करना है। सो रिडेम्पशन की प्राइस कितनी है, 153.12। सो दिस इज 153.12। नाउ वी विल राइट डाउन हियर डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर 15 ईयर। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 100, यहाँ पे 15% से 5 साल का डिस्काउंटेड फैक्टर फाइंड करना है और 5 साल का डिस्काउंटेड फैक्टर का टोटल करना है। अगर आप 15% से डिस्काउंटेड फैक्टर फाइंड करोगे और 5 साल का टोटल करोगे तो 3.352 आएगा। 9.75 मल्टीप्लाई बाय 3.352, व्हाट विल बी द आंसर, दिस विल बी योर आंसर। और ये कंपनी का आउटफ्लो है तो ये हमें माइनस में लिखना है, प्लस में लिखना है 100। ऑन द फिफ्थ ईयर 153.12 मल्टीप्लाई बाय फिफ्थ ईयर डिस्काउंटेड फैक्टर दैट इज 0.497 इज इक्वल टू 76.101। मेक द टोटल ऑफ दिस, यू विल फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू इज -8.785। सो दिस इज योर NPVL, दिस इज योर NPVL और अपना L क्या होगा, 15%। ठीक है, अब हम 20% से डिस्काउंटेड करेंगे। सो आपका NPVH मिलेगा, आपका H क्या होगा यहाँ पे 20% और NPVH अभी फाइंड करना है। सो जीरो ईयर में 100 मिल रहा है तो पॉजिटिव कैश फ्लो 100, एक से पांच साल में कितना आउटफ्लो हो रहा है, -9.75। सो 9.75 को हम 20% के डिस्काउंटेड फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और वो डिस्काउंटिंग फैक्टर 5 साल का टोटल होगा, पहले 5 साल का टोटल। सो 1 डिवाइडेड बाय, आई विल शो यू हाउ टू फाइंड आउट दिस। सो पहले तो 20% का कितना करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1.2। सो दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो ये 5 साल का आ गया, आपका 5वें साल का डिस्काउंटेड फैक्टर है 0.402। So, हम सबसे पहले 5वें साल का डिस्काउंटेड फैक्टर राइट कर देते हैं और उसके बाद आपको ग्रांड टोटल के बटन पे क्लिक करना है। यू विल फाइंड पहले 5 साल का जो भी डिस्काउंटेड फैक्टर का टोटल होगा, यू विल फाइंड ऑन योर कैलकुलेटर स्क्रीन 2.991। सो हियर यू कैन गेट योर डिस्काउंटेड फैक्टर। नाउ मल्टीप्लाई कैश फ्लो विथ डिस्काउंटेड फैक्टर फॉर ईच एंड एवरी आइटम, यू विल गेट योर NPVH। नाउ put this figure in the formula. What is the formula? Rate is equal to L. L कितना है? 15% plus NPVL that is plus -8.785 divided by NPVL minus NPVL that is -8.785 -9.292 multiply by H minus L. H कितना है? 20% और L कितना है? 15, 20 minus 15. So 15 plus इसका आएगा 0.480 multiply by
इसका आया क्या 5, 15 plus 2.43 that is 17.43. So you will check that under the approximation method the answer is 16.09%, whereas under the YTM answer is 17.43. Under both the method answer is different from each other. So under the approximation method, if RV minus NP difference is high, the accuracy will be low. If this difference is low, accuracy will be high. If you discounted with the help of 17.43%, and if you want to check, then you can also check it. You will find your cost of debenture with the help of 17.43%, and you, if you find the present value of debenture, you will get exactly the same answer, which is 153.12. I hope you will understand. Thank you very much.